अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू श्रेया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड का इस वक्त तमाम तर फोकस यूक्रेन के रिफ्यूजीज़ की तरफ गामजन है, ताकि उनको सेटलमेंट के मौके दिए जाएं। और इसी वजह से अब इंग्लैंड की हुकूमत की जानिब से नया ऐलान वीज़ों से मुतलिक जारी हुआ है, जैसा कि अब जो भी प्योरिटी वीज़ा है तो उनको आर्जी तौर पर सस्पेंड किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा और मेडिकल से मुतलिक जो भी वीज़े हैं तो उनको आर्जी तौर पर सस्पेंड किया जा रहा है। तो अब इंग्लैंड के इस ऐलान के बाद इमिग्रेंट्स के लिए नया मसला बन सकता है, क्योंकि जो इमिग्रेंट हैं सेटल्ड हैं तो वो अपनी फैमिलीज का वीज़ा अभी अप्लाई नहीं कर सकते। और मज़ीद इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं और जो अफराद वर्क वीज़ा पर इंग्लैंड में आना चाह रहे हैं और उनका प्रोसेस चल रहा है, तो अब वो भी डिले का शिकार हो सकता है। और मज़ीद ये वाजिया रहे कि इंग्लैंड की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि यूक्रेन के लोगों को जो ब्रिटिश लोग हैं तो वो उनको अपने घरों में रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। और अब मज़ीद इंग्लैंड को एक नया फ़ायदा ये भी होने जा रहा है कि इंग्लैंड में जो लेबर शॉर्टेज चल रही है तो वो अब यूक्रेन के लोगों के आने की वजह से फिल अप हो सकती है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस आखिरकार नई प्रॉब्लम में फंस चुका है जो कि होम ऑफिस की जानिब से की गई है। और अब होम ऑफिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके मुताबिक होम ऑफिस को 17 मिलियन पाउंड का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि आया होम ऑफिस की गलती है। और ये इन्वेस्टिगेशन होम ऑफिस पे इस वजह से हो रही है क्योंकि होम ऑफिस के रिकॉर्ड से ये बात सामने आई है कि होम ऑफिस ने 28,000 के करीब इमिग्रेंट्स के फ़ोन को टैप करने के लिए, यानी कि उनका रिकॉर्ड हासिल करने के लिए और उनके फ़ोन को लॉक करने के लिए इस तरह किया है, जो कि ये प्लान प्रीति पटेल का था। और अब अगर होम ऑफिस पर जुर्माना आयद होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति पटेल की नाअहली की वजह से होगा, क्योंकि पिछले साल 28,000 के करीब इमिग्रेंट्स ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, जिसके बाद उनके तमाम फोन डाटा को और उनके फोन्स को लॉक कर दिया गया और इनके तमाम डाटा को हासिल किया गया, क्योंकि होम ऑफिस का खास मकसद ये था कि इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि ये इस एरिया से हैं। और अब ये आने वाले दिनों में क्या इरादा रखते हैं, क्योंकि ये काम सिक्योरिटी मेजरमेंट में आता है, तो अगर होम ऑफिस इस काम में मुलव्वस पाया गया तो फिर होम ऑफिस को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी आज की अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।